देखो स्किल तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारा ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मुझे इतनी जल्दी इम्प्रेस कर जाते हैं, और तुम उनमें से एक हो। बाकी यू आर सिलेक्टेड, तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। इंटरव्यू डन सर। डन। बस सर आपने मुझसे मेरी स्किल के बारे में तो पूछा ही नहीं। मैं पहली नज़र में ही पहचान लेता हूँ कौन काम करता है कौन नहीं, एंड यू हैव ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, सीख जाओगे, कर लोगे। थैंक यू सर। सर आपने मुझे बुलाया था। हाँ देख, मीट योर न्यू कलीग खुश। अभी तुम्हारे साथ टीम असेस कर, जाओ और इसे काम से। ओके सर, आप आइए। मिस तो ये यहाँ का प्रोसेस है, और तुम्हारा काम मेनली है मैनेजर को असेस करना, तो टीम से आए हुए जो भी डेटा रहेगा उसकी तुम्हें लॉकशीट बनानी होगी। पर सर मुझे लॉकशीट बनाना नहीं आता। क्या तुम्हें लॉकशीट बनाना नहीं आता? ये तो एकदम बेसिक काम है, तुम्हारी हायरिंग कैसे हुई फिर? वो सर ने कहा था कि टाइम के साथ मैं यहाँ सीख जाऊँगी। ठीक है, तुम फिलहाल ये डिटेल सेंटर करो, मैं आता हूँ। ओके सर। ठीक है। सर सर आपने खुशी को क्यों हायर किया? उसे तो बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं, तो सिखा दो। सर वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे है, एटलीस्ट उसे बेसिक चीज़ें जैसे लॉकशीट बनाना ये तो आना चाहिए, उसे वो भी नहीं आता है। अच्छा। हाँ सर, आई थिंक शी इज़ अ लाइबिलिटी फॉर अवर कंपनी, जितना जल्दी उसे निकाल देंगे बेहतर रहेगा सर, वरना कंपनी का टाइम एफर्ट्स रिसोर्सेज सब वेस्ट हो गए उसके ऊपर। तुम किस पोस्ट पर हो यहाँ पर? सर असिस्टेंट। मालिक बनने की कोशिश मत कर, जितना बोला है ना तुझे सिर्फ उतना कर, और तुझे ज़्यादा दिक्कत है ना तो कंपनी से रिजाइन देकर जा सकता है। नो सर, आई एम सॉरी, मैं करता हूँ। चल निकल यहाँ से और काम कर। यस सर। गाइस वेल डन, बहुत अच्छा काम, वेरी इंप्रेसिव। खुशी तुमने तो कमाल ही कर दिया, 5 महीनों में इतनी अच्छी ग्रोथ। दक्ष तुमने भी बहुत अच्छा काम। थैंक यू सर। बट प्रॉब्लम एक है कि तुम दोनों में से कोई एक मैनेजर बन सकता है, और मैनेजमेंट ने जिसको चूज किया है वो है खुशी तुम। क्या सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इसे प्रमोट कर रहे हो? सर ये 5 महीने पहले आई है, मैं 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ सर, सारे रिकॉर्ड सारे टारगेट टाइम पे कंप्लीट किए हैं, और आप हो कि इसे प्रमोट करो, आपको मुझे प्रमोट करना चाहिए। सॉरी दक्ष, इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन लीव। सर थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, और आपके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। खुशी तुम इन सबसे अलग, तुम बहुत खास हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक्टिविटी में और बढ़ चढ़ कर भाग। सर मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ, अगली बार भी दूँगी। मेरा मतलब काम से नहीं था। तो फिर सर? तुमने तो देख ही लिया कि मैनेजमेंट को मुझ पर कितना भरोसा है, और तुम्हारा 5 महीने में प्रमोशन, तुम्हें क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से? सर आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। छोड़ो खुशी, मुझे सब पता है तुम कैसी लड़की हो कैसी नहीं। देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, क्या तुम मेरे लिए समझ रही हो? बस बहुत हो गया, पीछे हटो। तुमने क्या सोचा तुम इस कंपनी के बॉस हो तो जो मन में आएगा वो करोगे? औरतों से बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हें, देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ मैं। अच्छा तो तू मुझे धमकी देगा, तू जानता है कौन है एक असिस्टेंट? अरे चुप कर, भाड़ में गया तू और भाड़ में गई तेरी ये नौकरी। अरे जो इंसान किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसके यहाँ तो मैं वैसे भी काम नहीं करना चाहूंगा, और तू मुझे क्या निकालेगा इस नौकरी से? मैं खुद लात मारता हूँ इस नौकरी को कि देखता जब जेल में सड़ेगा। अच्छा तेरे पास प्रूफ क्या है, और तुझे क्या लगता है ये गवाही देगी? अगर ये गवाही देगी तो इसकी इज्जत तो वैसे ही खराब हो जाएगी।
और इसकी बात पर यकीन कौन करेगा? इसकी टेंशन तू मत ले। ये देख, मैं अपना फोन यहाँ छोड़ के गया था और इसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, क्या तुम मेरे लिए समझ रही हो कि तेरी सारी वाहियात बातें इसमें रिकॉर्ड हो जाएं? ये जाएगा पुलिस के पास, तू जाएगा पुलिस स्टेशन। देख, तू इसे डिलीट कर दे, मैं बैठ कर बात करता हूँ तेरे साथ। आप बैठ, जो भी बैठ के बात करनी है वो पुलिस स्टेशन में जाके करना, और वो सारी बात सुनेंगे तुम्हारी। पुलिस स्टेशन में मिलते हैं, चलो। Perfect.